उत्पन्न होकर के चेतन भगवान बना, ईश्वर बना, और माया की एक अल्प शक्ति वाली स्थिति है वह है अविद्या। उस अविद्या से जो युक्त चैतन्य है, अविद्या विशिष्ट चैतन्य वह है जीव, वो सब जगह अल्पता का अनुभव करता है। ध्यान दें तो जीव और ईश्वर को बनाने वाला कौन, वही मूल प्रकृति है। उसी मूल प्रकृति को क्वचित समझने के लिए राधा के नाम से भी बताया गया है। भगवान कृष्ण को ध्यान देना, ये समझने के लिए है। अगर भगवान को समझना है, किसी ने कहा कि भगवान क्या साकार हो सकता है, उत्तर देने वाले ने इतना ही उत्तर दिया, तुम जो नहीं कर सकते वो भगवान कर सकता है, तभी तो वो भगवान है। जो तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारे सोच से बहुत अलग व्यवस्था को भी जो कर सकता है वह भगवान है, इसको आप कैसे मानेंगे। ब्रह्मा जी सोच भी नहीं सकते थे, उनको तो यही था कि मैं ही सृष्टा हूं, मैं ही सृजन करता हूं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कृष्ण के द्वारा मेरे चुराए हुए गाय बछड़े ग्वाल बाल और कृष्ण के द्वारा बनाए गए ग्वाल बाल बछड़े दोनों में कोई फर्क नहीं है, तब ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने जो चुराया इसका मतलब मेरी चोरी भी अपने आप में बेकार हुई। जिनको मैंने चुराया उधर है, और इधर देखता हूं कि जिनको चुराया वो यहां भी है। उसी समय ब्रह्मा को लगा कि मेरे सोच से भी जो परे है, जो साकार नहीं हो सकता, जो सब कुछ करता है, तो वह अपने को भी तो किसी रूप में प्रस्तुत करता है। ध्यान देना, अचिंत्य मूर्ति ही भगवान, जिस मूर्ति की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हिरण्यकश्यप ने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मारने के लिए कोई सोच सकता है, वो ये भी नहीं सोच सकता था कि मुझे मारने के लिए भी कोई सोच सकता है, क्योंकि मारने वाला मुझे सोच मारने के लिए सोचेगा तो किस तरह से मारेगा, क्योंकि उसने कोई मारने के लिए अवकाश ही नहीं दिया था, न धरती में न अवकाश रूप आकाश में, न स्वर्ग में, न पाताल में, न कहीं। लेकिन स्तंभाभ्यांतर गर्भ भाव निगदव व्याख्यात तद भय भयो, उस भगवान ने अपनी अचिंत महिमा का प्रदर्शन किया। कल्पना से परे भी वह कुछ कर सकता है, इसका उसने प्रयोग किया और हिरण्यकश्यप का वध हुआ। आज भी ईश्वर है, आज भी ईश्वर हमारी कल्पना से कल्पना को पूरा करता है, तभी तो वह भक्त की भावना को पूरा करने वाला माना जाता है। और हमारी कल्पना न हो तब भी वह अपनी महिमा का, ध्यान देना, ईश्वर का एक रूप है रूप और दूसरा है महिमा का रूप। तुलसीदास जी अपने समय में अपनी रामचरितमानस की रचना में इतनी प्रसिद्धि पा जाते हैं कि कुछ लोगों ने ईर्ष्या की, द्वेष किया और तुलसी की इस मूल्यवान रचना को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र बनाया।
रामचरितमानस की सर्वश्रेष्ठता प्रमाण की कसौटी में खड़ी होकर के उतरी, उसको नष्ट करने के लिए चुरा लेने के लिए योजना बनाई, चोर लगा दिए गए। ध्यान देना, रात का अंधेरा, गांव में उस समय बिजली तो होती नहीं थी और चोर भी बढ़ते हुए अंधेरे की इंतजारी करते थे। चोरों को जब चोरी की तैयारी कर रहे हैं, घर फोड़ देते थे, सेंध लगा देते थे, योजना बना रहे हैं। इसी के साथ चोरों ने कोई आहट सुनी तो ध्यान देना, अंधेरे में भी उनको दिखाई पड़ा। अंधेरे में देखा कि दो युवक, धनुर्बाणधारी युवक, जैसे उनको देख रहे हैं। चोरी कब होती है? चोरी करने वाले की नजर आप पर होती है। अगर चोरी करने वाले को लगता है कि आप देख रहे हैं तो चोरी नहीं करेगा। जब वो देखता है कि मेरी तरफ नजर नहीं है तो चोरी कर लेता है। नजर ही तो बचाती है। ध्यान देना, नजर को कौन देखती है? नजर। चोरों की नजर ने देखा, वहां पर कोई साधक नहीं था, वहां पर तुलसी के भगवान राम। अगर रामायण की नष्ट करने की योजना बन रही हो और उसको न बचाएं तो फिर तुलसी की साधना बेकार जाएगी। तुलसी बड़ी मुश्किल से, कितनी तकलीफ से मेरी चरित्र की इस गाथा को लिखा है, तुलसी क्या कहेगा? त्रेता युग के राम आज तुलसी की उस कृति को, जिस कृति में उनका ही व्यक्तित्व समाया हुआ था, उसको बचाने के लिए चोरों को दिखाई पड़ते हैं। चोरों ने चोरी छोड़ दी। यहां पर चोरों की कल्पना नहीं थी, यहां पर ईश्वर की महिमा थी। ईश्वर की महिमा की झलक है और इसी के साथ राम की भी उन्होंने झलक पाई। इसका मतलब है, राम जो त्रेता युग में हुए थे आज भी देखे जा सकते हैं, कल भी देखे जा सकते हैं। अतीत के राम, वर्तमान के राम और भविष्य के राम, तीनों समय में एक राम। देखो, आकार बिना नाम के नहीं चलता। आपसे मैं जानना चाहूं कि हमारे मध्य में ये किसका चित्र है? इस बात को मैंने एक दिन प्रश्न किया था, क्या बताएंगे आप? जयंतपुरी महाराज श्री का ये हमारा ही उदाहरण था। आप कुछ लोग नए हैं, उनको ये एक अच्छी दृष्टि देगा। हमने तो देखा नहीं, आप लोगों में भी बहुत से लोगों ने नहीं देखा, लेकिन एक दो हमारे बीच श्रोताओं में हैं। एक माता, मनोरमा माता, जिन्होंने महाराज श्री को देखा था। मनोरमा ने बताया कि महाराज जी ऐसे ही थे। इसका मतलब, महाराज श्री के कहीं भी चित्र हो तो सब चित्र लगभग एक व्यक्ति को बताते हैं। सब चित्रों के द्वारा एक व्यक्ति को ही जाना जाता है। चित्रों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। हमारे आज से 10 साल के पहले के चित्र ...20 साल पहले का चित्र और आज का चित्र, ये तो आप मानेंगे कि हमारा ही है।
चेहरे में, चेहरे की लुकिंग में फर्क पड़ गया, लेकिन फिर भी ये सुनिश्चित है कि व्यक्ति वही है। तो ये राम का चित्र, अगर राम ना होते, राम कोई कल्पना नहीं है, कल्पना पुरुष भी नहीं हो सकता यदि वह हो ही नहीं, उसके नाम से भी कल्पना नहीं की जा सकती। यदि व्यक्ति नहीं होगा तो नाम कैसे होगा? इसलिए ईश्वर रूप से भी था और रूप से था। रूप के पीछे इतना वह महान अपने आप में विभूति, अपनी महानता, ईश्वरीय महिमा से संपन्न था कि हमने उस व्यक्ति को भगवान कहा। उस भगवत्ता से ही राम त्रेता में भी पहचाने गए। राजा राम प्रजा के बीच, भगवान राम भक्तों के बीच, भिलनी के बीच, और उद्धारक राम जो युद्ध की संपूर्ण शक्ति से अपने आप को अजेय और अपराजेय मानता था, उस रावण को भी लगा कि संपूर्ण शक्ति संपन्न ईश्वर है। रावण की जहां पर शक्ति अपने आप में कुंठित हो जाती है, तब उसने लगा कि यह राम शक्तिशाली ईश्वर है। तो वही राम आज भी हैं। आँख चाहिए देखने के लिए, साधना चाहिए। यहाँ पर हम देखें भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण अपनी महिमा का प्रदर्शन ब्रह्मा को कर देते हैं, ध्यान दें। अब भगवान कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण के लिए कोई मर्यादा नहीं है, कृष्ण के लिए कोई मर्यादा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि वो सब मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, उनको आप किसी मर्यादा में सीमित नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो मर्यादा से परे हैं। कृष्ण जहां पर जो आचरण अपना लेते हैं, वही अपने आप में एक आदर्श बन जाता है, ध्यान देना। कभी वो लोभ में नहीं आए, कभी वो अपने परायपन के पक्षपात में नहीं आए। जब लगा कि अधर्म को नष्ट करने के लिए मैं आया हूं और अधर्म आज हमारे अपने ही परिवार के सदस्यों से बढ़ाया जा रहा है, तो उसको भी नष्ट करने की जब स्थिति बनी, तो उन्होंने बचाव की बात नहीं सोची। अगर अपने व्यक्ति के द्वारा ही गलत हुआ तो उसको भी कृष्ण दंडनीय मानते हैं। अपने परायपन के भेद से भगवान कृष्ण की दो तरह की परिभाषा नहीं है, एक ही तरह की परिभाषा है। जो गलत है वो सब जगह गलत है, चाहे मेरा घर हो, चाहे वह दुर्योधन का घर हो, चाहे वह कौरव पांडवों के बीच का कोई हिस्सा हो, चाहे वह मेरे यदु वंश का कोई हिस्सा हो, ये कृष्ण की एक व्यापक दृष्टि, न्याय और नीति से पूर्ण दृष्टि, ये कृष्ण की भगवत्ता। उन कृष्ण की आप ध्यान दें। राधा को आप क्या कहोगे? राधा को क्या कहोगे? श्रीमद् भागवत में राधा का कहीं पर उल्लेख नहीं है। श्रीमद् भागवत में राधा का कहीं नाम भी नहीं आता। लेकिन देवी भागवत में राधा को मूल प्रकृति के रूप में बताया गया। कृष्ण ये
जो दिखाई पड़ रहे हैं और राधा जो आपको कथा के बीच सुनाई पड़ रही है। कल आपको बताया था देवी महाभागवत भी है। क्वचित इस तरह की कथा मिलती है कि बाबा जी भगवान शंकर पार्वती के सामने एक किसी प्रसंग में बात रखा। आप लोग ये कहानी तो सुनते ही हैं। एक बार भोला भंडारी, एक बार भगवान शंकर वृंदावन में चलने वाली रास को देखने के लिए उत्सुक हो गए तो रास कैसे देखें, कुछ तैयार होना चाहिए। तो साड़ी पहन करके बाबा जी रास देखने के लिए जाते हैं। ऐसा लगा कि तो हमने नाटक किया। कभी कभी नाटक की बात भी, चलो हम आपके ही नाटक की बात करें, कोई भी व्यक्ति, आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को किसी प्रसंग में कन्हैया का रूप बना देते हैं, कन्हैया का बाना दे देते हैं और उस बाने का आप चित्र ले लेते हैं और वह बच्चा जब अपने आप को कन्हैया के रूप में देखता है चित्र से तो बड़ा खुश होता है कि यह मारो चित्र छे, मैं कन्हैया बना। माँ भी बताती है कि देख तू कन्हैया बना था। अगर फिर से कन्हैया बनना हो तो कहेगा कि माँ मुझे फिर से कन्हैया बना दो। यही बात हुई। नाटक के उस रूप में भी बाबा जी को थोड़ा रुचि पैदा हो गई। पार्वती से कहा काश मैं स्त्री हो जाता तब पता चलता कि कृष्ण क्या है। तब माता ने कहा ये भी साध तुम्हारी पूरी होनी चाहिए, आपको ये पता है भगवान की लीला बड़ी अटपटी है, कब क्या वो करेंगे ये तो वही जानते हैं। अगर मोहिनी बनने की जरूरत हुई तो इतना जबरदस्त आकर्षक रूप उन्होंने बनाया है कि देव और दानव दोनों ही मोहिनी रूप में मग्न हो गए। जो असुर लोग हैं वो तो बिल्कुल ही मुग्ध हो गए हैं। देखो भगवान नारायण भगवान विष्णु मोहिनी बन गए। इसी तरह से यह बात भी सही है, बाबा जी को भी लगा